से एरिया में हम रहते थे, होली खेल रहा था बच्चा जैसे हम लोग खेलते हैं, इसी चक्कर में उसे मोमडन लड़का था वो उसके साथ होली खेल रहा था, इस मारे मारा था। जो वो लड़का है ना अंकित, उसकी मम्मी का उसके क्या बोलते हैं जो पुलिस वाले हैं ना उनसे रिलेशन है कुछ गलत, यूँ बोल रहे हैं कि अब तेरे को 2 दिन के अंदर अंदर मार देंगे, लेकिन पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। 13-7 को मेरे लड़के पे रात को 11 बजे के आसपास 11:30 के आसपास फायरिंग हुई, पहले चाकू लेके भागे फिर उस पर गोली चलाई। घटना तो सभी देखते हैं लेकिन आता कोई नहीं है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। उत्तर पूर्वी दिल्ली राजधानी का एक ऐसा इलाका बन चुका है जहाँ पर आए दिन आपराधिक मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। एक मामला जो है वो न्यू उस्मानपुर से सामने आया है जहाँ पर एक बच्चे के पीछे कुछ लोग इतने हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। उस नाबालिग बच्चे की माँ अभी मेरे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे। मैम आपका नाम? ममता। क्या हुआ था आपके बच्चे के? मैम मतलब एक डेढ़ साल पहले मतलब 2023 से पहले मेरे लड़के को होली वाले दिन मारा पीटा गया था। क्यों? क्योंकि एक मोमडन लड़का उसका दोस्त था, वो उसके साथ होली खेल रहा था। मतलब मोमडन के साथ होली खेल रहे थे इसलिए मार दिया था? हाँ मैम, इसलिए मारा था कि मोमडन के साथ होली खेल रहा था। और लोग थे वो जिन्होंने मारा था? मैम यही गौतमपुरी की गली के बजरंग दल वाले लोग थे सारे हैं, तो वो कहते ऐसे कैसे मोमडन होली खेल लेगा, तो मेरे लड़के को मारा था, उसका सर्वर फट गया था। तो मैंने कंप्लेंट दी थी सीलमपुर थाने में, तो पुलिस वालों ने मेरी सुनी थी, ज़बरदस्ती मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया था दबाव दे दे के। क्या बोला गया था? मैम ये बोला गया था अगर तुमने क्या बोलते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा तो आगे तुम्हारे लड़के के साथ कुछ कर देंगे तो हम पुलिस खड़ी नहीं होगी कभी। मैंने क्या और अगर पुलिस वालों ने? हाँ मैम यही बोला था। और मैंने बोला मैंने कि अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया फिर मेरे बेटे के साथ अगर कभी कुछ हुआ तो आप लोग जब नहीं आए फिर क्या करूँगी। उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे मैम। फिर उसके बाद 2023 में मेरे लड़के के चाकू मारे। इस बार की होली के वक्त हुआ या नहीं? मैम 2023 से पहले की बात है। काफ़ी पहले से चल रही है? नहीं पहले तो हमारी तो खैर को किसी से कोई रंजिश नहीं थी, बस यह इस एरिया में हम रहते थे, होली खेल रहा था बच्चा जैसे हम लोग खेलते हैं, बस इसी चक्कर में उसे मोमडन लड़का था वो उसके साथ होली खेल रहा था, इस मारे मारा था। उसके बाद फिर हमले हुए हैं आपके बेटे? हाँ मैम, वो घर अपनी बहन के घर से आ रहा था, रास्ते में उसे रोका गया, उसका फ़ोन छीना गया, तो उनने फ़ोन नहीं दिया, मुझे कॉल करी कि मम्मी ऐसे लड़के घेर के मुझे मार पीट रहे हैं, तो मैंने कि चल मैं आ रही हूँ। मैं भागी भागी गई वहाँ पे जाके देखा तो मेरे सामने ही लड़के उसे मारने लगे, उसमें हर्ष लपकुश और नोनू अंकित ये सब थे। मैम होली की कितनी देर बाद फिर हमला हुआ था? मैम होली के काफ़ी दिन बाद हुआ था। तो वही लोग थे जिन्होंने पहले हमला किया था? मैम उसमें से 2-4 जने थे जो वहाँ खड़े थे जिन्हें मैं देख के पहचान सकती हूँ, नाम से नहीं जानती, लेकिन बाकी जो लड़के हैं उनमें से कितने लड़कों को नाम से जानती हूँ, कितनों को शक्ल से जानती हूँ। और जिसमें के उस गली में कैमरे वगैरह सब लगे हुए थे, यहाँ तक कि मेरे साथ भी मार पिटाई हुई थी, मेरी ना MLC हुई ना कुछ हुई, और मेरे लड़के की भी MLC नहीं हुई थी, चाकू मारे उसके चाकू वगैरह मार रहे थे जैसे, तो मैंने उसे बचाया। एक लपकुश नाम का लड़का था, मैंने उसका गिरेवान पकड़ लिया, मैंने पुलिस को कॉल करी। सामने ही मारा था? हाँ जी मैम मेरे सामने ही मारा। कितने लोग थे वो? मैम वो कई सारे लोग थे। तो सब मतलब बड़े थे या नाबालिग भी थे? मैम कितने तो बड़े थे, और जो खड़े हुए थे घेर के उसे मार पीट रहे थे तो उसमें से कुछ छोटे भी थे। फिर हमला हुआ तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेन करी? हाँ मैम मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी थी, पुलिस वहाँ पे खगनेश आईओ आए थे गाड़ी लेके, और ऐसे मारने वाले सारे लड़के खड़े थे। मैंने बोला भी इन्होंने मेरे लड़के के चाकू मारा, उन्होंने नहीं पकड़ा, और ना मेरे लड़के को डॉक्टर के पास MLC बनवाने के लिए कुछ भी करवाने के लिए अस्पताल नहीं लेके गए, उसे मैं ही लेके गई थी एम्बुलेंस बुला के अस्पताल। कौन से थाने में गई थी? कंप्लेंट सीलमपुर थाने में हुई थी मैम। वहाँ पर वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? CCTV वगैरह तो आई होंगी? मैम जो वो लड़का है ना अंकित, उसकी मम्मी का उसके क्या बोलते हैं जो पुलिस वाले हैं ना उनसे रिलेशन है कुछ गलत। गलत रिलेशन मतलब? मतलब कि अफेयर वगैरह माँ का चल रहा है? हाँ जी। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैम सभी जानते हैं इस मोहल्ले में, क्योंकि अब भी जब मेरे लड़के पे गोली चली है मैम, अब जब गोली चली है ना तो देखो ना 100 नंबर की कॉल हुई ना कुछ हुई, क्योंकि हमें जब पता चला हम भागे भागे आते, हम जब आते जब भी तो कुछ करते। मैं यहाँ पे भीड़ देख के सबने बताया कि ऐसे ऐसे वो पुलिस वाले ले गए, जब मैं अस्पताल गई मुझे नहीं मिला लड़का, 3 बार अस्पताल में जग प्रवेश ढूंढ के आई मैं। कह रहे कि आपके बेटे पे फायरिंग वगैरह? हाँ मैम 13-7 को मेरे लड़के पे रात को 11 बजे के आसपास 11:30 के आसपास फायरिंग हुई, पहले चाकू लेके भागे फिर उस पर गोली चलाई है, गोली चलाई तो ये सामने जो दुकान है ना इसमें घुस गया वो लड़का। तो ये झगड़ा इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया कि मतलब जान लेने के उस पर आ गए? मैम इसलिए आ गए कि मैं बार बार पुलिस के पास जाके इंजाम मांग रही हूँ कि मेरे लड़के के चाकू लगे हैं, अब तक आपने उन्हें अरेस्ट नहीं करा, क्यों नहीं करा? कंप्लेन करने की वजह से ही? हाँ जी मैम ये कंप्लेंट करने की वजह से ही हो रहा है। कोई और चश्मदीद जिसने पूरा देखा हो कि ये घटना पूरी देखी? मैम घटना तो सभी देखते हैं लेकिन आता कोई नहीं है।
उस वक्त कोई बीच बचाव के लिए भी नहीं आया? मैम बीच बचाव के लिए कोई आया इसलिए नहीं, क्योंकि लड़का ये सामने वाले घर में दुकान में घुस गया था, उनने लेडीज ने मारा था या जिसको आपके बेटे? मेरा बेटा घुस गया था बचने के लिए, तो उसने पैर पकड़ लिया लेडीज़ों के, रोने लगा कि आंटी मुझे बचा लो, मगर ये लोग भी ना लात मार मार के उसे बाहर निकाल लेते हैं, यूँ कह रहे थे कि तू यहाँ से जा, हम नहीं बचाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे तैसे एक लेडीज़ ने उसे पीछे वाले रास्ते से निकाला, इतने में वो जो पुलिस वाला है ना खगनेश, वो और जिस लड़के ने गोली चलाई उसकी माँ ने आके मेरे लड़के को पकड़ा सीलमपुर थाने में। कौन था वो पुलिस वाला? खगनेश। मतलब वो अपराधियों को पकड़ने की जगह है वो आपके बेटे? हाँ जी, वो अपराधियों को नहीं पकड़ते, वो मेरे बेटे को ही टॉर्चर करते हैं और ले जाके थाने में मेरे बेटे के ये चेहरे पे गोलियों के निशान आ रहे थे, मतलब जो गोली चली है, तो उन्होंने फिर भी मेरे बेटे को ही मारा है ले जाके थाने में। फिर जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, मैंने यहाँ से पहले कॉल करी तो यहाँ का थाना उस्मानपुर लगता है, तो उन्होंने पूछा मेरे से आपने कॉल करी है, मैंने कहा हाँ, वहाँ पर वो लोग मार रहे थे, मैं गई, मेरा लड़का मेरे लिपट गया, कहने लगा मम्मी मेरे ही गोली चली है, मुझे मार रहे हैं, मम्मी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। फिर मैंने थाने में से अपने लड़के को बोला कि बेटा रुक जा, अभी मैं तो हूँ ना यहाँ पे, तो मेरा लड़का घबराया हुआ था मैम, ना तो कुछ बता पा रहा था ना कुछ, ज़बरदस्ती उसके साथ पुलिस वाले टॉर्चर कर रहे थे उसे कि ये बोल वो बोल, तो उन्होंने कहा क्या अब तो चाहे मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैंने तो मौत देख ली है। आपके परिवार में और कौन 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 है? मैं एक छोटा बेटा है, एक मैं हूँ। फादर नहीं है? नहीं, उनके फादर नहीं है, वो एक्सपायर हो गए, उनके भी चाकू लगे थे मैम, और जब भी कुछ नहीं हुआ था। मतलब चाकू लगे थे किसने मारा? मैम वो पड़ोस में झगड़ा हो गया था, तो जो पड़ोस का मकान है ना, उनका थोड़ा सा बाइक से उनकी लेके आ रहे थे, सीमेंट वीमेंट छूट गया था, इस चक्कर में झगड़ा हुआ था, इतने में सामने से निकल के उन लोगों ने चाकू मार दिए थे। अभी तक पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा? नहीं, उसके फादर वाले केस में तो पकड़ा था, लेकिन मैम इस वाले केस में किसी को नहीं पकड़ा। सारे अभी खुले घूम रहे? हाँ मैम, खुले घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, और मैम मेरे पास इंस्टा वगैरह जैसे चलाते हैं ना, उन पे फ़ोटो वगैरह डाल रहे हैं लड़के की, गाली बक बक के, बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई हैं उसमें, आप देख सकती हैं, यूँ बोल रहे हैं कि अब तेरे को 2 दिन के अंदर अंदर मार देंगे, लेकिन पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। परिवार में एक तरीके से मुसीबत आ गई है, पहले पिता और अब बेटे पे हमला। हाँ जी मैम, और ये जब ये सिर्फ पुलिस वालों की लापरवाही से ही हो रहा है मैम। जो DCP के पास गए? मैम मैं DCP सर के पास गई हूँ कल अपने बेटे को लेके, और अप्लीकेशन वगैरह दे के आई हूँ वहाँ पे। अभी बेटे की हालत कैसी है, बेटा कैसा? मैम बेटा वैसे तो ठीक है, लेकिन बेटा मेरा घर पे नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उसे मारने की धमकी दी है, वो कहाँ गया है कहाँ नहीं मुझे नहीं पता, और मेरे को ये भी नहीं पता कि कहीं ले जाके उसे मार देंगे क्या कर देंगे या मार दिया, क्योंकि मेरी फ़ोन पे तो उससे बात हुई है, मैंने बोला घर आ जा, वो डर के मारे घर नहीं। पता नहीं आपका बेटा कहाँ? नहीं मैम मेरे को नहीं पता मेरा बेटा कहाँ पे। बात हो रही है बेटे से? मैम हाँ बेटे से मेरी बात हुई थी रात को, डर के मारे वापस? हाँ जी मैम डर के मारे वापस नहीं आ रहा। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते? मैम मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, मेरी ये FIR दर्ज हो, उन लड़कों को पकड़ा जाए जो मेरे बेटे के साथ इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो मर जाएगा जब आएंगे पुलिस वाले कि हाँ अब ये मर गया अब हम चलते हैं, मैम उससे पहले कुछ नहीं करते। जिन्होंने मारा उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ, कौन थे? हाँ मैम कर सकती हूँ, जो जिनने मारा है, लड़के ने गोली चलाई है उसका नाम अंकित है, और जिन्होंने पहले चाकू मारे हैं वो मैम मेरे सामने मारे हैं, मैं सबको जानती हूँ। उसमें मैं DCP सर के यहाँ भी 3-4 बार लगातार गई थी, और वो जो ACP साहब होते हैं उनके पास तो मैं पता नहीं कितनी बार गई थी मैम, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। यहाँ पर आपने देखा कि एक नाबालिग बच्चे पर कैसे जानलेवा हमला हुआ सिर्फ होली खेलने पर, फिर माँ ने जब कंप्लेन किया तो उस बच्चे पर लगातार हमले होते रहे। माँ का ये कहना है कि एक तरीके से पुलिस की लापरवाही भी इसमें देखी जा सकती है, कि अगर वो पहले ही एक्शन ले लेते तो बच्चे पर बार बार हमले नहीं होते और बच्चा सुरक्षित रहता। बच्चा अभी माँ से दूर है, माँ को अभी नहीं पता कि बच्चा आखिर कहाँ है, क्योंकि बच्चा डर के मारे जो है घर भी वापस नहीं आ रहा है। अभी चाहती है कि इनको न्याय मिले और पुलिस जो है वो कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं तनीषा दिल्ली अप टू डेट।